नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप मतलब कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम से आप घर से निकल रहे हैं, उस दिन आप इस क्रिया को जरूर कर आजमा करके देख लेना। आप जैसे कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, सोमवार का दिन पड़ रहा है, आप इस क्रिया को करके जाएं। सोमवार के दिन मतलब कोई भी आपका इम्पोर्टेंट काम कहीं पर भी है और आपको घर से निकलना है, आपको वो काम करने के लिए जाना है, आप इस क्रिया को सुबह उठते के साथ जरूर करें। उठते के साथ भी कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। आप खुद नोटिस नहीं कर, मतलब शुरुआत में जैसे आप गए हैं, आपको शायद उस समय पता ना भी चले, लेकिन आपको तुरंत ही इस चीज का एहसास हो जाएगा कि जो रिजल्ट मुझे मिला वो बेहतर नहीं, बहुत बेहतर था। जैसे आप जिस सब्जेक्ट में चाहेंगे कि मुझे इसमें मेरा 50 मार्क्स आएगा, आप देखेंगे आराम से आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे। आप जिस आदमी से ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि नहीं, ये इंसान मेरे इस प्रपोजल को 30% तो एक्सेप्ट करेगा ही, आप इस क्रिया को करके जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि 30% नहीं, उसने आपके इस प्रपोजल को 90% एक्सेप्ट कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को मैंने 1,00,000 रुपया दिया था, आज मुझे लेने के लिए जाना है, हो सकता है 10-20 हजार रुपया दे, आप इस क्रिया को करके जाए, 10-20 नहीं, वो 50-60 हजार रुपया आपको आराम से देगा। मतलब जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख करके जा रहे हैं कि मेरा ये काम हो, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप इस क्रिया को सुबह उठ करके ही कर लें और दिन में भी करें, आप देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको थोड़ा सा जीरा पहले से ही अपने पास में रखना है, या फिर किचन में रखा होगा तो भी चलेगा, लेकिन यदि आपने रात को ही तकिए के नीचे रख लिया है और पूरी रात आप ये सोचें कि सुबह मेरा ये वाला काम है, ये काम मेरा हो जाना चाहिए, जीरे को कंटिन्यू तकिए के नीचे रख करके रखें रात को ही, ठीक है। और अगर रात को नहीं भी रख पाए हैं, आप भूल गए हैं, तो सुबह उठ करके आप सीधे किचन से भी जाकर के ले सकते हैं जीरा, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। सुबह जब आप उठते हैं, हथेली दर्शन वगैरह, आप जो भी आपकी नित्य क्रिया है आप उसको कर लें, उसके बाद में बासी मुंह उस जीरे को मुंह में रखकर चबा लें, अच्छे से चबा लें, और जाकर के बाथरूम में आप उसे थूक दें, बराबर। थूकना कहाँ है, जहां टॉयलेट हो। उसके बाद में आप आराम से ब्रश व्रश करें, जो भी आपकी नित्य क्रिया है आप आराम से उसको परिपूर्ण करें। जितने भी नेगेटिव आपके अंदर चीजें हैं उसको ये जीरा निकालकर फेंक देगा। उसके बाद में जब आप अपने काम से निकल रहे हैं घर से, उस समय जीरा के 2 दाने लें, गिन करके 2 दाने लें, उसको दांत के नीचे दबाएं। ये क्रिया आपको शीशे के सामने खड़े होकर के करनी है, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, जीरा लें, मुंह में रखें, खुद की तरफ देखे, थोड़ा सा मुस्कुरा दे और चले जाए, और रिजल्ट देखिए दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा कि आप भी बोलेंगे कि वाह क्या उपाय था, अनबिलीवेबल। करके देखिए इस क्रिया को, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।